थमक निसा, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने वेयर कर रखी है साड़ी, जो कि मैंने राजपूती स्टाइल में साड़ी वेयर कर रखी है, और इसके साथ मैंने ये लुक क्रिएट कर रखा है। बहुत ही इजी लुक है, मेकअप लुक, और इस मेकअप लुक को आप भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी शादी या पार्टी के अंदर, तो बहुत ही ईजी लुक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में देखते हैं कि मैंने इस लुक को किस तरीके से क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्राइमर लगा लूँगी, और मैंने यहाँ पे अपने फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लिया है क्योंकि विंटर्स का टाइम है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइमर लगाना है जिससे आपके जो भी ओपन पोर्स हैं वो अच्छे तरीके से मिनिमाइज़ हो जाए। और यहाँ पे अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं मेकअप से पहले। देन मैं यहाँ पे NYB का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और मैं अपने अंडर आई के नीचे और जो भी मुझे लगता है डार्क स्पॉट अपने फेस पे, मैं वहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। वैसे मेरे इतने ज़्यादा डार्क स्पॉट नहीं है, बट हल्के फुल्के हैं, तो मैं उसी के ऊपर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। देन इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, तो मैं यहाँ पे नेपोलियन ब्रांड का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई सी ब्रांड का फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे गुड वाइब का फेशियल ऑयल के एक दो ड्रॉप मैं फाउंडेशन में मिक्स करके लगाऊंगी, बिकॉज विंटर्स का टाइम है, तो कुछ कुछ जो फाउंडेशन होते हैं उसकी वजह से आपकी कुछ जो हार्श लाइन्स होती है, जो आपका जो मेकअप होता है उसमें थोड़े से पैचेस दिखने लग जाते हैं। तो उसके लिए, जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है, अगर आपकी भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो आप अपने फाउंडेशन के अंदर जो फेशियल ऑयल होता है उसको आप मिक्स करके अप्लाई करें, तो काफ़ी स्मूथली भी अप्लाई होता है और आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी ड्राई और पैची नहीं लगता है। ये एक हैक भी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। तो उसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी फाउंडेशन। देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आईब्रो के लिए, जो मेरा मेबेलिन का आई शेडो पैलेट है, उसमें से मैं यहाँ पे ब्राउन शेड ले रही हूँ, और उस ब्राउन शेड में से मैं अच्छे तरीके से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। आप चाहें तो आप जो आईब्रो पेंसिल होती है उससे, या फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उससे अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। उसके बाद मेरा जो ये मेबेलिन का जो मस्कारा है ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो इससे भी मैं थोड़ा सा एक बार अपने आईब्रो के ऊपर लगा लूँगी, जिससे क्या होगा, इसमें जो ब्रश है उससे काफ़ी अच्छा जो डिफाइन हो जाएगी जो मेरी आईब्रो है। तो अगर आपका भी इस तरीके से हल्का फुल्का ड्राई हो गया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने आईब्रो के लिए भी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे SFR का मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और इसके अंदर जो हाइलाइटर वाला शेड है उसके अंदर से मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। और ये थोड़ा सा वाइनिश कलर है, और थोड़ा सा सिल्वर टाइप का जो हाइलाइटर वाला कलर होता है ये वो है, इसको मैं अपनी आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मैं इसमें नहीं अप्लाई करूँगी, बहुत ही सिंपल सा मेकअप रहने वाला है। तो उस वो जो हाइलाइटर वाला कलर है वो थोड़ा सा शिमरी वाला जो लुक होता है वो आपको प्रोवाइड कराएगा, तो उसको मैं अच्छे तरीके से अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, तो आपके पास कोई सी ब्रांड का आईलाइनर हो जिससे आपको कंफर्टेबल रहता है, आप उससे आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिक्विड आईलाइनर लगा रही हूँ और इसमें हल्का सा विंग क्रिएट करूँगी। तो आईलाइनर आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, चाहे आपको थिक लगाना है तो आप थिक लेयर भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बेला वोस्टा का मस्कारा लगा रही हूँ, और ये जो मस्कारा है ये मेरा फेवरेट मस्कारा है और काफ़ी अच्छा मस्कारा है। अगर आपको ये सब प्रोडक्ट अगर परचेज़ करने हैं, तो ये जो प्रोडक्ट मैंने जहाँ से परचेज़ किए, ये purple.com से मैंने परचेज़ किए, तो आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। और इस मस्कारा को मैं अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई फॉल्सीज़ नहीं अप्लाई करूँगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे नेपोलियन ब्रांड का ब्लशर लगा रही हूँ। तो उसको मैं अच्छे तरीके से अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी ब्लशर को ब्रश की हेल्प से।
सो उसके बाद मैं यहाँ पे सेम आई शेडो पैलेट से, जिससे मैंने अपने आईलिड पे अप्लाई किया था आई शेडो, उसी से मैं अपने हाइलाइटर लगाऊंगी, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर का काम भी करता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इससे कितना अच्छा हाईलाइट होता है, और ये जो वाइन सा कलर है ये काफ़ी सुंदर कलर है और काफ़ी अच्छा हाईलाइट होता है। तो इसको मैं अपने चीक्स पे, नोज़ पे इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लूँगी, जो भी मेरे को पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और लिपस्टिक के लिए मैं लैक्मे के एनरिच लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे कोई सी भी लिपस्टिक, जो भी आपको अच्छी लगती है, आपका जो भी फेवरेट ब्रांड है, आप उसकी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ जो मेरी साड़ी है वो मल्टी कलर में है और इसमें पिंक शेड भी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बिंदी और ज्वेलरी पहन के जो ये लुक है इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खमागनीसा।